हेलो स्टूडेंट्स वेलकम वंस अगेन स्टूडेंट्स आज हम स्टडी कर रहे हैं शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स लेसन नंबर सिक्स और चैप्टर का नाम है माय चाइल्डहुड ये लेसन क्लास नाइन्थ के सिलेबस से रिलेटेड है और इसे लिखा है अब्दुल कलाम जी ने और क्वेश्चन नंबर वन है हु वर अब्दुल कलाम्स पेरेंट्स अब्दुल कलाम के माता पिता कौन थे आंसर इज अब्दुल कलाम्स फादर्स नेम वॉज जेनुलाब्दीन एंड हिज मदर्स नेम वॉज आशिया दे बिलोंग टू अ मिडिल क्लास तमिल फैमिली स्टूडेंट्स इस वीडियो में मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आपके लिए सिलेक्ट किए गए हैं साथ ही क्वेश्चन के आंसर को डिस्कस करने से आप इसके चैप्टर को डीपली समझ पाते हैं ये चैनल उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही हेल्पफुल है जो इंग्लिश को डीपली स्टडी करना चाहते हैं और बहुत अच्छे मार्क्स गेन करना चाहते हैं क्वेश्चन नंबर टू इज वॉट काइंड ऑफ अ पर्सन वॉज कलाम्स फादर अब्दुल कलाम्स फादर वॉज अ सिंपल एंड स्ट्रिक्ट मैन अब्दुल कलाम के पिताजी बहुत सिंपल थे लेकिन स्ट्रिक्ट व्यक्ति थे ही यूज टू अवॉइड ऑल इन इनअसेंशियल कम्फर्ट एंड लग्जरीज वे अपनी गैर जरूरत के आराम और ऐशो आराम की चीजों को अवॉइड करते थे ही वॉज नॉट मच एजुकेटेड वे ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे बट ही पजेस्ट विजडम एंड अ ट्रू जेनरॉसिटी ऑफ स्पिरिट लेकिन वे बहुत बुद्धिमान और आत्मा से बहुत ही दरिया दिल दयालु व्यक्ति थे स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर थ्री इज हाउ अकॉर्डिंग टू कलाम वॉज हिज चाइल्ड हुड और कलाम हैड अ सिक्योर्ड चाइल्डहुड डू यू अग्री और डिसअग्री गिव रीजन एग्जाम में क्वेश्चन किसी भी तरह से पुटअप किया जा सकता है इन दोनों तरीकों में लेकिन आपको बताना है कि कलाम का चाइल्डहुड किस प्रकार का था एंड द आंसर इज अकॉर्डिंग टू कलाम ही हैड सिक्योर्ड चाइल्ड चाइल्डहुड कलाम के अनुसार सिक्योर्ड चाइल्डहुड था सुरक्षित बचपन था उनका एंड आई ऑल्सो अग्री और ये आई यहाँ इसलिए लिखा गया है क्योंकि आपको बताना है कि आप भी सहमत हैं आई ऑल्सो अग्री मैं भी सहमत हूँ बिकॉज although he ही वॉज वन ऑफ मैनी चिल्ड्रन वो बहुत सारे बच्चों में से एक थे इट मीन्स उनकी फैमिली में और भी बच्चे थे दे हैड अ पक्का हाउस लेकिन उनके पास एक पक्का घर था एंड हिज फादर प्रोवाइडेड फूड मेडिसिन एंड क्लोथ्स और उनके पिता ने उन्हें खाना दवाइयाँ और कपड़े सभी चीज उपलब्ध कराए हुए थे दस ही हैड अ मटीरियली एंड इमोशनली सिक्योर्ड चाइल्डहुड इस प्रकार उनका भौतिकवाद के इस प्रकार उनका मटीरियली भौतिकता के रूप में और इमोशनली एक सुरक्षित बचपन था नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर फोर वेन डिड द सेकेंड वर्ल्ड वॉर ब्रेक आउट द्वितीय विश्व युद्ध कब शुरू हुआ हाउ ओल्ड वॉर अब्दुल कलाम देन और अब्दुल कलाम उस समय कितने वर्ष के थे या फिर वेन डेड द सेकेंड वर्ल्ड वॉर ब्रेक आउट केवल एक सिंगल यही क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है आंसर में आप इन दोनों ही बातों को लिख दीजिए वेन अब्दुल कलाम वॉज एट ईयर्स ओल्ड जब अब्दुल कलाम आठ वर्ष के थे द सेकेंड वर्ल्ड वॉर ब्रोक आउट इन नाइनटीन थर्टी नाइन नेक्स्ट इज नंबर फाइव देयर वॉज अ सडन डिमांड फॉर टैमरिन सीड्स इमली के बीजों की अचानक से डिमांड बढ़ गई थी वॉट डिड द बॉय एपीजे डू देन तो जो छोटे बच्चे थे एपीजे जिस समय उन्होंने तब क्या किया वेन देयर वॉज अ सडन डिमांड फॉर टैमरेन सीड्स कलाम यूज टू कलेक्ट द सीड्स एंड सेल देम टू अ प्रोविजन शॉप ऑन मॉस्क स्ट्रीट फॉर अबाउट द सम जब कलाम बच्चे थे तो वो प्रोविजन स्टोर पर इमली के बीजों को इकट्ठा करके बेच देते थे और यह दुकान मस्जिद वाली गली में थी ऑफ एन आना और एक आने के लगभग वो उन बीजों को बेचकर पैसे प्राप्त करते थे नंबर सिक्स इज हाउ डिड बॉय कलाम अर्न हिज ओन मनी फॉर द फर्स्ट टाइम कलाम ने किस तरह से पहली बार अपनी तनख्वाह पैसा कमाया आंसर इज कलाम्स कजिन समसुद्दीन कलाम के चचेरे भाई समसुद्दीन Who distributed newspaper in Rameshwaram helped Kalam to earn his first wages. समसुदीन जो अखबार बेचा करते थे रामेश्वरम में उन्होंने कलाम को पहली तनख्वाह कमाने में मदद की. During Second World War, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान कलाम helped his cousin. कलाम ने अपने इसी चचेरे भाई की मदद की थी as a helping hand to catch the bundles of newspaper. न्यूज़पेपर के बंडल्स को पकड़कर क्योंकि ट्रेन में से वो बंडल फेंक दिए जाते थे जिन्हें कैच करने के लिए एक व्यक्ति की जरूरत पड़ती थी तो इस तरह से कलाम ने उनकी मदद की नेक्स्ट इज वॉट डिड ही इनहेरिट फ्रॉम हिज मदर एंड फादर उन्होंने अपने माता पिता से इनहेरिट उत्तराधिकार में या फिर पैतृक कौन कौन से गुण प्राप्त किए अब्दुल कलाम इनहेरिटेड अब्दुल कलाम इनहेरिटेड ऑनेस्टी एंड सेल्फ डिसिप्लिन फ्रॉम हिज फादर अपने पिता से कलाम ने ईमानदारी और सेल्फ डिसिप्लिन आत्म अनुशासन सीखा एंड इनहेरिटेड फेथ इन गुडनेस एंड डीप काइंडनेस फ्रॉम हिज मदर और अपनी माता से अच्छाई में विश्वास रखना और गहरी दयालुता को उन्होंने अपनाया इनहेरिट किया नेक्स्ट इज नंबर एट नेक्स्ट इज नंबर एट हु वर कलाम्स थ्री क्लोज फ्रेंड्स कलाम के तीन पक्के दोस्त कौन थे इन हिज चाइल्डहुड उनके बचपन में और नेम द थ्री क्लोज फ्रेंड्स ऑफ अब्दुल कलाम या फिर उनके केवल नाम आपको बताने हैं अब्दुल कलाम हैड थ्री क्लोज फ्रेंड्स इन हिज चाइल्डहुड हुड शास्त्री अरविंदन एंड शिव प्रकाशन नेक्स्ट इज नंबर नाइन हु वर अब्दुल कलाम्स स्कूल फ्रेंड कौन थे अब्दुल कलाम के स्कूल के मित्र वॉट डिड दे लेटर बिकेम और बाद में वो क्या बन गए आंसर इज अब्दुल कलाम फ्रेंड्स रामानंद शास्त्री टुक ओवर द प्रिस्ट हुश्वरम टेम्पल जो रामानंद शास्त्री था वह रामेश्वरम मंदिर का पुजारी बन गया अरविंदन अ ट्रांसपोर्टर अरविंदन एक ट्रांसपोर्टर बन गया बड़े होकर एंड शिव प्रकाशन बिकेम आ केटरिंग कॉन्ट्रैक्टर शिव प्रकाशन ने केटरिंग कॉन्ट्रेक्ट का काम कर लिया था स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन आंसर आपको जरूर समझ में आ रहे होंगे तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा नेक्स्ट है नंबर टेन वेयर वॉज अब्दुल कलाम हाउस लोकेटेड इन रामेश्वरम अब्दुल कलाम का घर रामेश्वरम में कहा स्थित था अब्दुल कलाम हाउस वॉज लोकेटेड ऑन द मॉस्क स्ट्रीट इन रामेश्वरम दैट दॉज बिल्ट इन द मिडल ऑफ द नाइनटींथ सेंचुरी अब्दुल कलाम का घर मस्जिद वाली गली में रामेश्वरम में स्थित था जिसे नाइन्टीन सेंचुरी के बीच में बनाया गया था उन्नीसवी शताब्दी के बीच में हु वॉज शिव सुब्रमण्या अयर शिव सुब्रमण्य वॉज अब्दुल कलाम साइंस टीचर ये जो नाम है शिव सुब्रमण्या ये अब्दुल कलाम के साइंस के टीचर का था नंबर ट्वेल्व इज हु टू सिट ऑन द बैक बेंच ऑफ हिज क्लास वाई अब्दुल कलाम को क्लास की बैक बेंच पर बैठने के लिए किसने कहा और क्यों व्हाट डिड द न्यू टीचर इन स्टैंडर्ड What डेड द न्यू टीचर इन फिफ्थ स्टैंडर्ड आस्क अब्दुल कलाम टू डू द न्यू टीचर इन फिफ्थ स्टैंडर्ड asked अब्दुल कलाम टू सिट ऑन द बैक बेंच ऑफ his क्लास नए टीचर ने फिफ्थ क्लास में जब अब्दुल कलाम थे तो उन्हें पीछे वाली सीट पर बिल्कुल बैक वाली सीट पर बैठने के लिए कहा बिकॉज क्योंकि द न्यू टीचर कुड नॉट स्टमक क्योंकि नए टीचर को ये बात हजम नहीं हुई उनको अच्छा नहीं लगा अ हिंदू प्रिस्ट एक हिंदू पुजारी हिंदू प्रिस्ट सन एक हिंदू पुजारी का बेटा सिटिंग विद अ मुस्लिम बॉय एक मुसलमान लड़के के साथ बैठा हुआ है नंबर थर्टीन इज वॉट डू यू थिंक दिन मनी इज द नेम ऑफ आप क्या सोचते हैं कि दिन मनी किस चीज का नाम है गिव रीजन फॉर योर आंसर अपने आंसर का कारण बताइए तो आंसर में लिखेंगे दिन मनी इज द नेम ऑफ न्यूज पेपर दिन मनी नाम है एक अखबार का कलाम यूज टू रीड द हेड लाइन्स ऑफ दिस न्यूज पेपर कलाम इस न्यूज पेपर की हेड लाइन्स को पढ़ा करते थे टू नो अबाउट द सेकेंड वर्ल्ड वॉर लास्ट टू क्वेश्चन में से नंबर फोर्टीन है वॉट डिड अब्दुल कलाम फैमिली यूज टू डू ड्यूरिंग द एनुअल श्री सीताराम कल्याणम सेरेमनी अब्दुल कलाम का परिवार क्या किया करता था श्री सीताराम कल्याणम सेरेमनी के दौरान जो एनुअल यानी के वर्ष में एक बार होती थी आंसर है ड्यूरिंग द एनुअल श्री सीताराम कल्याणम सेरेमनी कलाम्स फैमिली वुड अरेंज फॉर बोट्स कलाम का परिवार नाव का प्रबंध किया करता था विद स्पेशल प्लेटफॉर्म एक विशेष जगह चुन लेते थे वो फॉर कैरिंग द आइडोल्स ऑफ द लॉर्ड फ्रॉम द टेम्पल टू द मैरिज साइट ताकि वहां से मूर्तियां ले जाई जा सके मंदिर से भगवान की मूर्तियों को ले जाया जा सके शादी वाली जगह पर सिचुएटेड इन द मिडल ऑफ द पॉन्ड कॉल्ड एज राम तीर्थ जो कि जगह कहाँ स्थित थी वह स्थित थी एक तालाब के बीच में जिसका नाम था राम तीर्थ एंड द लास्ट क्वेश्चन इज डिस्क्राइब द चाइल्ड अब्दुल हाउस इन रामेश्वरम अब्दुल कलाम के रामेश्वरम के घर के बारे में वर्णन करना है आंसर है इट वॉज एन एंसेस्ट्रल हाउस यह एक पैतृक घर था उनके पूर्वजों का घर था बिल्ट इन द दिडल ऑफ द नाइनटीन सेंचुरी जिसे 19वीं शताब्दी के बीच में बनाया गया था इट वॉज अ फेयरली लार्ज पक्का हाउस और यह एक बहुत बड़ा पक्का घर था मेड ऑफ लाइम स्टोन एंड ब्रिक ऑन द मॉस्क स्ट्रीट इन रामेश्वरम रामेश्वरम की मस्जिद वाली गली में लाइम स्टोन और ईटो से इसे बनाया गया था तो स्टूडेंट्स यहाँ ये आपके लेसन के पंद्रह इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर फिनिश होते हैं आई होप आपने वीडियो को लाइक like कर दिया होगा एंड प्लीज ऑल्सो सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर द बेटर रिजल्ट थैंक यू वेरी मच